नहीं, अबू धाबी में था मैं, अबू धाबी से स्पेशली मिलने के लिए आया था यहाँ। अच्छा। एक्चुअली मैं वीडियोस वगैरह देखता हूँ और अचानक से देखा तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, फिर मैंने डीएम किया, फिर उन्हें रिप्लाई दिया मुझे, हाँ मैं सच में आई हूँ दुबई में, और पूरा दिन welcome back to my YouTube channel. This is your Sikkim girl and I'm back with a new vlog. So guys, आज वाला vlog में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं जा रही हूँ डेजर्ट सफारी, और ये भी हो ही नहीं सकता कि दुबई आके डेजर्ट सफारी ना करूँ, तो एकदम ऐसा लगता है जब चाय में चीनी ना हो ना, वैसा ही है। सो गाइज अभी जा रहे हैं हम डेजर्ट सफारी करने के लिए, तो या गाइज आपको मिलते, गाड़ी मेरे लिए वेट कर रहे है, तो मैं वहां जाके आपको मिलाऊंगी। ठीक है गाइस, अभी गाड़ी के लिए वेट कर रहे, तो आई हैव टू गो टू दैट लोकेशन, या आई विल बी मीटिंग यू आफ्टर। सो गाइस अभी गाड़ी आ चुका है मेरे को लेने के लिए, और मेरे को आज हेल्प करने वाले ये। सो आज हम जा रहे हैं डेजर्ट सफारी करने इनके साथ, ये हमें गाइड करेंगे क्या करना है कैसे करना है। तो गाइज आज हम गाड़ी में चढ़ेंगे, कौन सा वाला है? तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं, अब यहाँ पे भैया जी आगे आगे लेके जा रहे हैं, अभी कहाँ जाना है, ही विल बी गाइडिंग मी एंड आवर टीम। तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ डेजर्ट सफारी करने के लिए, और मैंने आपको ऑलरेडी बोल ही दिया था कि दुबई आए और डेजर्ट सफारी ना करूँ तो ये हो ही नहीं सकता, तो अभी मैं जा रही हूँ डेजर्ट सफारी करने के लिए, तो लेट्स गो। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे डेजर्ट में आके, इतना अच्छा लग रहा है, एकदम नया एक्सपीरियंस, आप पीछे भी देख सकते हो, और कोई बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, और मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है राइड करने के लिए ये सुपर बाइक। सो गाइस आप लोग भी आइए और एंजॉय कीजिए। Yeah.
रेजा सफारी कर रहे हैं, अभी बस रेजा सफारी कर रहे हैं, वहाँ इसके बाद बहुत चीज होगा वो धीरे धीरे बताऊंगी। गाइस मेरे को लगा था यही बाइकिंग ही करना है और यहीं पे ही खत्म हो जाएगा और कोई हम लोग को खाना वाना देंगे, बट ये बात नहीं है गाइस। अभी हमको लेके जा रहे डेजा सफारी करने के लिए, वो गाड़ी नहीं जाएगा जिसमें आई थी, वो गाड़ी नहीं जाएगा। अब डेजा सफारी करने के लिए हमको दूसरा गाड़ी आएगा और ये गाड़ी आ गया हमको लेने के लिए, स्पेशली हमको ही लेने के लिए आ गया है। अभी यहाँ पे पैसेंजर है, वो उतर जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे। गाइस दिस इज हेवन, ये ऐसे मजा, हेलो, ऐसे मजा आपको नहीं मिलेगा। एंड ही इज वेरी केयरिंग, मेरे को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो नाउ वी विल बी गोइंग फॉर डेजर्ट सफारी। ओके सो अभी हमको वहां पहुंच के आपके साथ मिलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे भैया जी गाड़ी को कुदा रहे हैं। हेलो, वेयर आर यू फ्रॉम? पाकिस्तान। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। देखा, सो गाइस अभी हम लोग फिर जा रहे हैं कैंप की तरफ। एक गाड़ी ऑलरेडी हमने उतर के फिर नेक्स्ट गाड़ी में जा रहे हैं। hey! Is
और आप लोग को भी अच्छी तरह से दिखाएंगे। थैंक यू। Thank you.
सो गाइस हमारा खाना आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हो वी कैन हैव जितना भी खा सकना है वो खा सकते हैं, इट्स अनलिमिटेड। तो अभी मैंने ये सब लिया है, आपने शो वगैरह भी देख लिया, इट्स काइंड ऑफ फाइन, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम पीस, एकदम न्यू चीज़ है ना ये मेरे लिए, तो आई एम लविंग इट। तो गाइस तनुजा डेजर्ट सफारी में इसीलिए नहीं आ पाई क्योंकि उसको थोड़ा प्रॉब्लम है, ऐसे ट्रैवलिंग में ऐसे डेजर्ट वगैरह में आने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं अकेली आई, बट स्टिल आई एम हैविंग फन, एवरीवन इज वेरी कोऑपरेटिव, मेरा गाइड तो एकदम अच्छा है। गाइस अभी हम लोग कैंप से वापस जा रहे रूम की तरफ, बहुत अच्छा प्रोग्राम था और खाने के लिए भी बहुत अच्छा फैसिलिटीज दिया हुआ है और मज़ा आया जो दिया। तो गाइस डेजर्ट सफारी करके फाइनली वापस भी आ गई और मेरे फ़ैन लोग बाहर होटल के बाहर मेरे लिए वेट कर रहे हैं। एक फ़ैन है जो इंडिया से है और मेरे को बहुत टाइम से फॉलो करते हैं और मेरे को बहुत इंस्टाग्राम में डीएम कर रहे थे, दिन में भी आए थे बट मैं दिन में नहीं थी क्योंकि मैं को घूम रही थी, तो अभी मैंने उनको टाइम दिया था तो अभी आ चुके हैं, तो मैं उनसे मिलूँगी। बेचारे बहुत दूर से आए, यहाँ से दूर से आए, पहले ही एक बार आके चले गए अभी फिर से आए। थैंक यू सो मच गाइज इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए यार, मैं इंडिया के बाहर आके भी मेरे को इतना प्यार मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज ओनली, आई एम सो मच हैप्पी। सो गाइज अभी नीचे चलते हैं और उनसे मिल के आते हैं। ओके तो गाइज फाइनली इनसे मिल गए, दिन में भी ये आए थे बट मैं नहीं आ पाई इनसे मिलने के लिए, मैंने बता दिया था कि मैं बाहर ही होती थी बट ये विदाउट इन्फॉर्मेशन आए थे और फिर ये फ़ोन ना होने के वजह से, फ़ोन का कनेक्शन ज़्यादा ना होने की वजह से थोड़ा मुश्किल पड़ा, लेकिन आ गए फिर से, आ गए बहुत दूर से आए बोल रहे, यहाँ से अबू धाबी से आ रहे हैं ना, नहीं अबू धाबी में था मैं, अबू धाबी से स्पेशली मिलने के लिए आया था यहाँ। अच्छा, एक्चुअली मैं वीडियोस वगैरह देखता हूँ और अचानक से देखा तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, फिर मैंने डीएम किया, फिर ने रिप्लाई दिया मुझे हाँ मैं सच में आई हूँ दुबई में, और पूरा दिन आए तो आए फिर लोकेशन पे गलत दिए, पूरा दुबई घुमा लिए, सिर्फ मेरे पास ही रहते लेकिन पूरा दुबई घुमाया आज, अभी जाके पता चला नहीं यही होटल। अच्छा थैंक यू सो मच कि आप आए, मेरे को बहुत खुशी लगा कि आप आए, इतना दूर इंडिया में होके भी इतना सपोर्ट कर रहे हो और यहाँ दुबई में आके भी इतना प्यार, थैंक यू सो मच आपको।